चुनाव की सियासी सरगर्मी सूरज की गर्मी से भी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर धोरों की धरती राजस्थान में तो सियासी पारा आसमान पर है, जिसकी एक सीट पर हर सियासी दल की नजर है और वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वाली सीट, कोटा बूंदी लोकसभा सीट, जहां बिरला के सामने एक नहीं दो दो चुनौतियां हैं। एक तो कांग्रेस ही है और दूसरी है 25 साल की परंपरा। सबसे पहले बात पहली चुनौती की, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने दिग्गज नेता ओम बिरला को तीसरी बार कोटा बूंदी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका सामना होगा बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल से। बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामे गुंजल बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारी तो करेंगे ही, साथ ही बिरला की हैट्रिक के सामने भी चुनौती खड़ी कर देंगे। ये तो पहली चुनौती हुई, अब जरा दूसरी चुनौती समझिए, काफी रोचक है और वो 25 साल का रिवाज बदलने की चुनौती है। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 1999 के बाद से एक रिवाज चला आ रहा है, वो ये कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष बनता है वो अगली बार सांसद नहीं बनता। बीते 4 लोकसभा सांसदों के मामले में ये परंपरा कायम रही है। जीएसटी बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चैटर्जी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन इसका उदाहरण है। अब इस सूची में ओम बिरला भी हैं। यूं तो ओम बिरला कोटा से लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं, मगर साल 2014 में जब पहली बार सांसद बने थे तब लोकसभा स्पीकर नहीं चुने गए थे। साल 2019 में जीतकर लोकसभा स्पीकर बने थे। अब देखने वाली बात यह है कि स्पीकर के दोबारा सांसद नहीं बनने की परंपरा कायम रहेगी या टूट जाएगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि बिरला हारेंगे, क्योंकि कोटा बूंदी लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास देखें तो 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पिछले आपातकाल के बाद इस सीट पर बदले राजनीतिक समीकरण पर। 1977 की जनता लहर में बीएलडी उम्मीदवार कृष्ण कुमार गोयल जीते, वहीं 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर गोयल इस सीट से फिर जीते। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति धारीवाल जीते तो 1989 में बीजेपी के दारूदयाल जोशी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके बाद दारूदयाल जोशी 1996 तक लगातार 3 बार यहां से सांसद बने। वहीं 1998 में कांग्रेस से रामनारायण मीना ने ये सीट बीजेपी से हथिया ली, लेकिन 1999 में बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल ने मीना को हराकर यहां कब्जा कर लिया। 2004 में कौशल ने दोबारा जीत दर्ज की, लेकिन 2009 के चुनाव में कोटा राजघराने के इजराज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर पार्टी को जीत दिलाई। 2014 में बीजेपी के ओम बिरला ने सिंह को हराकर एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी को काबिज कर दिया और 2019 में बिरला ने दोबारा बीजेपी का कमल खिलाया। 2024 में एक बार फिर बिरला मैदान में है, लेकिन मुकाबला इस बार जोरदार होने वाला है, क्योंकि सामने है बीजेपी से ही कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल से। ऐसे में यहां का जातीय समीकरण काफी अहम हो जाता है। यहां के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर करीब 21 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 10,70,000 पुरुष मतदाता हैं, तो 10,30,000 महिला वोटर्स। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता करीब 2,70,000 हैं। इसके बाद मीणा मतदाता 2,25,000 हैं, वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2,05,000 है। लेकिन सबसे बड़ा ओबीसी वोटर्स का तबका है, जिनमें 5,80,000 वोटर्स हैं। इसमें सबसे बड़ी आबादी गुज्जर वर्ग की है, जिनके 1,90,000 वोटर्स हैं, जो हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें कि अभी तक गुज्जर मतदाताओं को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल खुद गुज्जर जाति से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंधमारी की जोरदार रणनीति बनाई है। वैसे तो राजस्थान की शिक्षा नगरी वाली इस लोकसभा सीट में ओम बिरला का कद काफी बड़ा है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर पूर्व बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आपको क्या लगता है, ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के ये दाम, 25 साल के ये अजीब सा रिवाज कितनी चुनौती खड़ी कर देने वाला है, हमें जरूर बताइए। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।